टेस्टी दिख रहा। वैसे पूछते हैं यहाँ पे इनका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए जरा। एक्चुअली यहाँ का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस वैसे बादल बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, तो मैंने सोचा पहले आपको बादल दिखा दूँ। तो हेलो जी, कैसे हैं? एक्चुअली दोपहर का टाइम है और शायद 12:30 बज रहे हैं, धूप सिर के ऊपर है। सर तो आप लोगों को वो भुवनेश्वर छेनापोड़ का वीडियो याद है? एक्चुअली बात यह है कि उस दिन मैं छेनापोड़ का वीडियो शूट करने नहीं गया था, मैं गया था वो मीठा वाला दही जो था ना, वो मीठा वाला जो दही वड़ा जो मिलता है उस दुकान में, राम मंदिर वाली दुकान में, तो मैं वो शूट करने के लिए गया था और वो खाने के लिए गया था। लेकिन बात क्या हुआ कि वो वाला ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं आज वापस जा रहा हूँ उस दुकान में। तो भाई देखो, मैं पहुंच गया हूँ अभी इनके दुकान में, तो अभी यहाँ पे खाऊंगा दही वड़ा और बताएंगे आपको उसका टेस्ट कैसा है। पिछले बार मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो मिलता है छेनापोड़ा, मैंने उसका टेस्ट बताया था, और इस बार मैं आपको बताऊंगा दही वड़ा का टेस्ट, क्योंकि पिछले बार शायद ख़त्म हो गया था इसलिए मैं खा नहीं पाया था, और इस बार तो भाई पूरा एकदम रखा हुआ है। ये देखिए अभी पैकिंग चल रहा है यहाँ पे, पिछले बार खा नहीं पाया था, इस बार खाऊंगा इस बार। है ना बोराटा कितने टोंगा बोरा? 30 टोंगा गोटे पीस ना, और दही पूरा सफिशियंट? गोटे पीस 30 टोंगा दही बस। और देखते हैं और क्या मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे इडली मिल रहा है, अंदर में देखो बड़ा रखा हुआ है, डालना पूरी, और यहाँ पराठा का पहाड़, पराठा का पहाड़ रखा है यहाँ पे, और इधर बेटा कौन उपमा रसगुल्ला रखा है पूरा फ्रेश, लड्डू। इसका नाम क्या है? खस्ता खजा है, देखो खस्ता खजा है ये, और ये तो हमारा छेनापोड़ ना, इसका नाम को कैसे भूल सकते हैं, तो छेनापोड़ है। पिछले बार मैं ये वाला ही खाया था, तो खाने में जो टेस्टी लगता है ना पूछो मत, तो इसके ऊपर जूस देखो। हाँ ये भैया बहुत अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं सभी अच्छे हैं, ठीक है सभी। आपको यहाँ पे खाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, इनको यहाँ पे खाना अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पे दही बड़ा खाया पहली बार, बहुत अच्छा लगा खाने मेरे को। ये मेरा चैनल YouTube में, ये खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना खाना। अच्छा आपको यहाँ पे पहले सबसे ज्यादा पसंद क्या आपको यहाँ पे? पराठा दाल। पराठा दाल, अच्छा इसका दाम कितना हुआ? पराठा 30 रुपया, दो पीस पराठा, दो पराठा और दाल, दो पीस पराठा और डालमा, पूरा गाढ़ा डालमा है, देखो पानी पानी नहीं है, पूरा गाढ़ा है, पूरा अच्छा है। हाँ, जब तक मैं अपना दही वड़ा खरीदता हूँ तब तक आप लोग थोड़ा एक सिनेमेटिक शॉट थोड़ा एंजॉय करिए। तो भाई देखो, पिछली बार दही वड़ा खा नहीं पाया था क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैं लेके आया हूँ और मुझे मिल गया। इस बार मैं जल्दी आया सिर्फ ये खाने के लिए ताकि मैं खा सकूँ, और मुझे मिल गया। देखिए भाई कि ये देखो कितना टेस्टी दिख रहा है, देखो पूरा दही में एकदम डूबा हुआ है और भरपूर दही मिला है। देखो इसका दाम है 30 रुपया, इसका दाम है 30 रुपया, और अभी इसको मैं खाने वाला हूँ, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। 30 रुपये में एक पीस दे रहे हैं, दही पूरा एकदम भरा हुआ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना टेस्टी दिख रहा है।
बहुत टेस्टी है। तो लगा सर एक खा के पेट भर जाएगा। मैं वैसे दोपहर में कुछ खाया नहीं हूँ, अब ये शायद मेरा लंच हो जाएगा। बहुत टेस्टी है यार। दही देखो भाई, दही कितना भर के दिए। देखो दही पूरा भर के दिए। देखो एक खाने से भाई आदमी का पेट भर जाएगा। देखो एक खाने से दही बहुत ही मीठा है। जो दही देने में है ना, दही देने में कोई कंजूसी नहीं किए। एक पीस बड़ा मिलेगा और दही भर के मिलेगा। आप चाहे तो दही इसमें दोबारा जाके ले सकते हैं। मैं से खा रहा हूँ, मेरे को आसपास लोग ऐसे घूर रहे। खैर छोड़ो, खाने पे ध्यान देते हैं। वड़ा ख़त्म हो गया, अभी दही बच गया, खाली दही। और कितना दही दिए देखो, ये देखो। और दही है पूरा प्योर दही। बहुत जगह अगर आप जाएंगे तो दही की जगह आपको पानी देंगे। ये देखो पूरा गाढ़ा दही है। ये देखो पूरा थिक गाढ़ा। बहुत दही वैसे बहुत हेल्दी होता है। मैं दही खा लेता हूँ। देखो पूरा खाली हो गया। एक पीस में पेट भर जाएगा भाई आपका। तो इनसे दुकान का टाइम पूछ लेते हैं भाई। दुकान का टाइम कितना बजे बता पाएंगे? खुला होता है। हाँ खुला होता है 7 बजे। खुला होता है सुबह 7 बजे, 9:30 बजे। सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक, काफ़ी लंबा टाइम है। अच्छा देखिए, मैं तो यहाँ पे पहले 2 बार 3 बार खा चुका हूँ, लेकिन और एक यहाँ पे आए हैं हमारे दोस्त जो पहली बार यहाँ पे आज खाने के लिए। तो इनसे पूछते हैं यहाँ पे इनका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए जरा। एक्चुअली यहाँ का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जबरदस्त है। जबरदस्त और क्वांटिटी अच्छा। भी ज़्यादा है पैसे के हिसाब से। और बाकी सब आपने क्या खाया पहले ये बताइए। पहले तो हम लोग पूरी डाल में फिर हम लोग दही बड़ा खाए, फिर खीरा गजा खाए। तो कितना भाई, जिसको आना है यहाँ पे आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चैनल को प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू भाई। तो देखा आपने इनका एक्सपीरियंस। ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे खाने के लिए। मैं तो खैर 2 बार 3 बार आ चुका हूँ, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम खाने के लिए आए थे और इनका एक्सपीरियंस हमने देख लिया। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग भी यहाँ पे आइए भुवनेश्वर में। ये यहाँ पे देखो राम मंदिर है और राम मंदिर के जस्ट बगल में इनका दुकान है। और ज़्यादा दाम नहीं है, 30 रुपये के अंदर यहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। कोई दही वड़ा का वीडियो कैसा लगा आज का, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए एक बार। भुवनेश्वर में बहुत गर्मी है आज। उफ, इतनी गर्मी में शूट।